हेलो गाइज, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको एलजेब्रा का ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन बच्चों आप लोग मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। बच्चों देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो जैसे दिया है कि 0.1 × 0.1 + 0.1 + 0.02 × 0.02 × 0.02। इस प्रकार के क्वेश्चन को अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0.2 × 0.2 × 0.2 इस तरह से दिया गया है, तो हम इसको इस रूप में कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, देखिए, अब 0.1 × 0.1 × 0.1 ये क्या हो जाएगा, तीन बार दिया है तो 0.1 का क्यूब हो गया, और प्लस लिखेंगे या जैसे 0.02 लिखा है तो इसको लिखेंगे 0.02 का क्यूब लिख देंगे। अब क्या करना है, अब यहां पे ध्यान देना है, अब इसको हमको इस रूप में लाना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे 0.2 का क्यूब लिख देंगे, और प्लस क्या लिखेंगे, 0.04 का क्यूब लिख देंगे। अब हमको इस रूप में कैसे लाना है, अब देखिएगा ध्यान से जरा, 0.1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 0.02 का एक क्यूब हो जाएगा। अब फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको देखेंगे जरा, तो 2 × 0.1 का क्यूब हो जाएगा और प्लस, और इसके बाद से क्या होगा कि 2 × 0.02 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा कि ये 2 का क्यूब इसमें से हम निकाल देंगे, क्योंकि हमको इस रूप में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 0.1 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 0.02 का क्यूब हो जाएगा, और यहां पे 8 कॉमन ले लेंगे, 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो इसमें भी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब का मतलब 8 हो गया। अब यहां पे हो गया 0.1 का क्यूब हो गया और प्लस 0.02 का क्यूब हो गया। अब ये दोनों चीज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/8 का मतलब होगा 0.125। अब हमको करना है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा, इसका आंसर क्या होगा, जैसे यस प्लस 1/x = 2 दिया है, तो यदि यस के प्लेस पे यदि हम 1 रख दें, यस के प्लेस पे 1 रख दें, तो ये हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 + 1/1 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से हमको क्या करना है कि यक्स की पावर 100 और प्लस 1/100 करना है, तो यक्स की जगह पे 1 की पावर 100 और प्लस 1 की पावर 1 का क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1 + 1/1 होगा, तो इसका मतलब ही होगा 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बच्चों 2 क्वेश्चन यदि आपको बताया है, मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बेल के साथ साथ ऑल को जरूर प्रेस करें। मैं बच्चों आपको इसी प्रकार के SSC CGL एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, बस आप लोगों को सहयोग चाहिए, बस हमारी वीडियो को आप लोग देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। तो गुड नाइट, थैंक यू फॉर वीडियो।